हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ओट्स और गुड़ का बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी कुकीज। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आज मैं इसको दो तरीके से बनाने के लिए बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ओट्स का कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप इंस्टेंट ओट्स। इंस्टेंट ओट्स मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब एक बॉल में यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप घी। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कप गुड़। मेरे पास ये पाउडर गुड़ है। अगर आपके पास पाउडर गुड़ ना हो तो आप नॉर्मल गुड़ को भी बारीक कर सकते हैं। चाहे तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें, या फिर आप उसको ग्रेट कर लें, या फिर आप उसको चाकू से बारीक कर लें। घी और गुड़ को 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ये मिक्सर इस तरह का एकदम हल्का और फ्लॉपी बन जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ओट्स, 1/2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी नमक मीठा को बैलेंस करने के लिए। अब इस मिक्सर में आप स्वाद के लिए चाहे तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कोकोनट पाउडर। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, इससे कुकीज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब हाथ से इन सारे मिक्सर को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इस मिक्सर में मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मैं गूंथ लेती हूँ। हमें यहाँ पे इस मिक्सर को बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है, एकदम हल्के हाथों से इस मिक्सर को हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह का हमें इसका डो तैयार कर लेना है। कुकीज के लिए हमारा डो यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। इस कुकीज को आज मैं कढ़ाई और माइक्रोवन दोनों में बना के दिखाऊंगी। एक कढ़ाई में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप नमक। एक स्टैंड डाल के इसको मैं ढक के लो फ्लेम में प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे एक प्लेट में मैं रख देती हूँ बटर पेपर। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ डो का एक छोटा हिस्सा। हाथ से इस तरह से रोल करके इसको मैं कुकीज का शेप दे देती हूँ। आप अपने मनचाहे किसी भी शेप का कुकीज बना सकते हैं। तो इस प्लेट में लगभग मैं 5 से 6 कुकीज बना के रख रही हूँ। कुकीज को आप इस तरह से थोड़ा सा गैप करके रखें, क्योंकि कुकीज को जब हम बेक करेंगे तो ये थोड़ा सा फूलेगी। ये प्लेट वाला कुकीज को मैं कढ़ाई में बेक करूंगी। माइक्रोवन में कुकीज को बेक करने के लिए यहाँ पे मैं ले रही 1 बेकिंग ट्रे। इसके ऊपर में भी मैंने बटर पेपर रखा हुआ है। बाकी डो का कुकीज बना के मैं इसमें रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लगभग 15-16 कुकीज बना लिए हैं। अब चलिए इन दोनों को अलग अलग बेक करते हैं। कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। प्लेट वाली कुकीज को इस कढ़ाई में मैं रख देती हूँ। ध्यान रहे कि प्लेट कढ़ाई के साथ डायरेक्ट टच में ना हो, नहीं तो कुकीज जल सकते हैं। और इसको मैं ढक देती हूँ। यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसको मैं लगभग 25 मिनट तक बेक करूंगी। बेकिंग ट्रे वाली कुकीज को मैं प्री हीटेड माइक्रोवन में रख देती हूँ। माइक्रोवन का टेम्परेचर 175 डिग्री सेट करके इसको मैं लगभग 20 मिनट तक बेक कर लूंगी। 20 मिनट बाद माइक्रोवन का कुकीज बनके बिल्कुल तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अभी हमारा कढ़ाई का भी कुकीज बनके बिल्कुल तैयार है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। कढ़ाई और माइक्रोवन दोनों में हमारी कुकीज बहुत ही अच्छा बेक हुई है। कढ़ाई वाली कुकीज देखिए कितना अच्छा बेक हुई है, और ये अंदर से भी एकदम अच्छे से पकी हुई है। और माइक्रोवन वाली कुकी भी देखिए, ये भी बहुत अच्छे से बेक हुई है। और ये कुकीज़ खाने में जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है। इसमें हमने ना मैदे का यूज़ किया है ना चीनी का यूज़ किया है। तो आप इस कुकीज़ को जितना मर्जी जब मर्जी खा सकते हैं। आप भी घर पे ये कुकीज ज़रूर से बनाएं। इस कुकीज़ को आप एयरटाइट डब्बे में पैक करके महीने भर तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन ज़रूर से दबाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं, ताकि आपको मेरे नए रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।